हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करनाज रसोई। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत में खाने वाले साबूदाने के वड़े। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से मैं इन्हें तैयार करूँगी और आप भी इसे ज़रूर बनाकर खाइए। आपका अगर व्रत ना हो तो भी आप इसे खा सकते हैं, तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिए। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं साबूदाने के वड़े। वड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उबले हुए आलू और भीगे हुए साबूदाने। तो मैंने यहाँ पे आलू को उबाल कर छील लिया और उसके बाद कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो हाथों से मैश भी कर सकते हैं। और यहाँ है भीगे हुए साबूदाने, जिसे करीब मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और उसके बाद इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो आलू और साबूदानों को हमने मिला लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे इसमें ये हरी और लाल मिर्च। अगर आपके पास लाल मिर्च ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास हरी मिर्च है, ये मेरी ये मिर्च लाल हो गई थी इसलिए मैंने इसमें ये भी डाल दिए। हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, ये आप इसे कम भी कर सकते हैं लेकिन मुझे हरा धनिया इस वड़े में ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ। तो इसमें ढेर सारा डाल देंगे हरा धनिया और थोड़ी सी डाल देंगे इसमें लाल मिर्च, तो 1 टीस्पून के करीब हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे। व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ। आप अगर इसको ऑर्डिनरी दिनों में बना रहे हैं तो आप इसमें जो नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। तो एक बार हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हाथों से मिला लेंगे। मैं इन वड़ों को व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए इसमें बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट डाले हैं। अगर आप इसे नॉर्मल दिनों में बनाते हैं तो आप इसमें और मसाले जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो मिक्सचर है वो बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे मैं जो है मूंगफली के तेल में फ्राई करूँगी। आपके पास अगर मूंगफली का तेल ना हो तो आप घी में फ्राई कर सकते हैं या आप जो तेल व्रत में इस्तेमाल करते हैं उसमें फ्राई कर लें। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है हम जो साबूदाने के वड़े हैं उनकी शेप बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप इसे किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं, मैं इन्हें सिंपल शेप में तैयार करूँगी। और अगर आपकी हथेलियों में ये मिक्सचर चिपके तो आप इसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं अभी ये मिक्सचर मेरे हाथों में नहीं चिपक रहा इसलिए मैं इसमें कोई भी तेल या घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हम सारे वड़े बनाकर एक प्लेट में रख लेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैंने ये साबूदाने के 5 वड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, तो हम इसमें फ्राई करने के लिए डालते हैं। हमारा जो तेल है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम हीट पे कर देंगे क्योंकि अगर हम तेज पे रखेंगे तो जो हमारे साबूदाने के बड़े हैं वो जल जाएंगे। और अब धीरे धीरे इन बड़ों को इस तेल में डालते रहेंगे। तो वड़े डालने के बाद हमें तुरंत इसे पलटना नहीं है, जब तक ये एक तरफ से अच्छी तरह से नहीं सीख जाएंगे हम इन्हें पलटेंगे नहीं, क्योंकि अगर इस वक्त हम इन्हें पलट देंगे तो हो सकता है ये सॉफ्ट होने की वजह से टूट जाए। तो जैसे ही एक तरफ से सीख जाएंगे उसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। तो ये देखिए हमारे जो वड़े हैं वो एक तरफ से सीख चुके हैं, हम इन्हें पलट लेंगे। तो जब तक हमारे साबूदाने के वड़े फ्राई हो रहे हैं हम जो है और साबूदाने के वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारे जो साबूदाने के बने हैं ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे, ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। और इसी तरीके से और जो साबूदाने के बड़े हमने तैयार कर रखे हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। मैंने ये व्रत के लिए हरी चटनी बना रखी है, तो अगर आपको इस चटनी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, आपको मैं ज़रूर इसकी रेसिपी बताऊंगी। और इसके साथ हम अब सर्व कर देंगे ये साबूदाने के वड़े। ये तैयार है, एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।